सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि इंडिया में 5G नहीं आना चाहिए। 5G बिल्कुल आना चाहिए, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। बट जिस तरह हर मेडिसिन के साथ एक साइड इफेक्ट भी आता है, उसी तरह 5G फिफ्थ जनरेशन ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जिनका हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये तुम्हें पता ही होगा 4G फोन में 5G नहीं चलने वाला, बट कई सारे ऐसे सस्ते 5G फोन भी है इंडिया में जो कम बैंड्स के साथ आते हैं एंड वो इंडिया के 5G को फुल्ली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर तुम्हारे पास फुल्ली कम्फर्टेबल 5G फोन है तो भी 5G बैटरी कंजम्पशन ज्यादा करता है, जिसके कारण तुम्हारे फोन का बैटरी जल्दी डिक्रीज होगा एंड बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण 5G फोन्स हीट भी ज्यादा होंगे। एंड ये पूरी तरह कंपनी के ऊपर है कि वो अपने फोन को कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट ये ऑब्वियस है कि सस्ते 5G फोन में हीटिंग इशू तो आएगी। इसी के साथ 5G 4G से 100 टाइम्स फास्टर है, मतलब कि ज्यादा डेटा कंजम्पशन। एंड इस प्रॉब्लम का अंदाजा तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हारा 1.5 GB डेली डेटा 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, या फिर हाई स्पीड होने के कारण तुम्हारा फोन तुम्हें पता चलने से पहले ही हैक हो जाएगा। अब अगर तुम मेरे बातों से एग्री या फिर डिसएग्री करते हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड तुम्हारा फोन 5G सपोर्ट करे ना करे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मुझे सपोर्ट जरूर कर सकते हो।